CMOS logic family is built with both coming CMOS is the CMOS logic family built with both N channel and P channel MOSFET device. N channel and P channel MOSFET device in complementary mode. देखिए C का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री, MOS का फुल फॉर्म क्या है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, MOS इज मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक्चुअली NMOS लॉजिक फैमिली होता है, PMOS लॉजिक फैमिली होता है और CMOS लॉजिक फैमिली होता है। ठीक है, ये है N चैनल MOSFET से, ये है P चैनल MOSFET से और CMOS पे दोनों होते हैं, N चैनल भी होते हैं और P चैनल भी होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको और वो दोनों किस पे चलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मोड पे चलते हैं। ठीक है, अगर P चैनल MOSFET है, अगर आपने पैरेलल में लगाया है तो N चैनल किस में लगाओगे, सीरीज में लगाओगे। अगर मैं N MOS को पैरेलल में लगाऊं तो इन दोनों क्या लगाऊंगा, सीरीज में लगाऊंगा। They always work in complementary fashion. That's why it is known as CMOS. ठीक है, तो CMOS is a logic family which uses two MOSFETs. First one is N channel and second one is P channel MOSFET. ठीक है, अब ये N channel और P channel है क्या? ठीक है, तो P MOS अगर देखते हैं हम, ये इसका सिंबल है, ठीक है, और अगर यहां पे हम एक बबल लगाते हैं तो ये आपका P MOS है, this is PMOS. ठीक, और N channel as it is like a bubble, N MOS is have same symbol, only bubble will be formed. अभी काम कैसे करते हैं, ठीक है, वो ये एक इनपुट है, कितने आप इसमें वो दे सकते हैं, लॉजिक दो दे सकते हैं, हाई या लो, जीरो या वन। ठीक है, तो मान लीजिए ये ए इनपुट हमने यहाँ पर दिया, ठीक, और पी मॉस के लिए कर रहे हैं, और पी मॉस लेट ए इनपुट इज लो, पहला क्या है लो, ठीक है, और ये मान लीजिए यहाँ पर इसका आउटपुट है वाई, तो वाई जो मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा आपको, हाई माइनस। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा ऑन। ठीक है, और
जब आप इसको हाई दोगे ये क्या हो जाएगा लो हो जाएगा, ये आपके पी मॉस। ठीक है, तो जब आपने इसको लो दिया ये हाई जैसा बिहेव करेगा और हाई का क्या कंडीशन होता है शॉर्ट सर्किट, इट विल बिहेव लाइक ए शॉर्ट सर्किट। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर ऐसा शॉर्ट सर्किट, एक स्विच है ये उल्टा काम करता है, ये लो लॉजिक पे काम करता है। ठीक है, इसका जो लॉजिक है इट ऑपरेट्स एट लो लॉजिक, ऑपरेट्स एट लो लॉजिक या जीरो लॉजिक पे। लो लॉजिक का क्या मतलब है, जीरो दोगे तो हाई होगा और हाई दोगे तो क्या देगा वो आपको लो देगा, जैसे इन्वर्टर के जैसा काम करता है। ठीक है, अब ये हो गया पी मॉस के लिए, एन मॉस के लिए ये वाई और ये बी मान लेते हैं। ठीक है, तो बी इनपुट दिया आपने लो, तो आउटपुट क्या मिलेगा इसमें लो ही मिलेगा। ठीक है, और हाई दिया आपने इनपुट तो आउटपुट भी आपको क्या मिलेगा हाई। तो दिस इज फॉर NMOS, this is a tuple for NMOS. और ये किस steps behave करता है, ऐसा आप कौन सा आपका device काम करता है, जब low होगी तो low होता है, high होगी तो high होता है, transistor जो हमने पढ़ा अभी BJT, ठीक है, bijunction the same as BJT, इसका working same, it is similar to a bijunction ट्रांजिस्टर, जैसे ट्रांजिस्टर काम करता है, लो है तो लो ही रहेगा और हाई होगे तो वो हाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है पीमॉस और लो का मतलब वही, ये आउटपुट इसका ओपन सर्किट हो जाएगा और हाई का मतलब क्या हो जाएगा, इट विल बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट। बोलिए, हाई नहीं है फिर तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, अगर हाई होगे तो ओपन सर्किट, लो का मतलब है ओपन सर्किट। ठीक है, लो मीन्स ओपन सर्किट एंड हाई मीन्स शॉर्ट सर्किट। तो ये आपको यहां पर, तो ये कौन से लॉजिक में काम करता है एनमॉस, ऑपरेट एट हाई लॉजिक, ये कहलाता है लो लॉजिक और ये क्या लगता है हाई लॉजिक, लॉजिक हाई सॉरी। ठीक है, तो ये ही प्रॉपर्टी है, यह वर्किंग इस तरीके से है कि अगर आप यहाँ पर लो इनपुट दोगे आउटपुट हाई मिलेगा, हाई इनपुट दोगे आउटपुट लो मिलेगा, इसके लिए पी चैनल मॉस्फेट के लिए। ठीक है, और एन चैनल के लिए क्या होगा, इनपुट अगर आपने लो दिया आउटपुट लो ही रहेगा, इनपुट अगर हाई दिया तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा हाई। ठीक है, अब इससे हम कैसे जो लॉजिक फैमिली है मतलब हम क्या करना है, गेट्स में अलग अलग गेट्स बनाने हैं इनके मदद से। ठीक है, तो पहला गेट बनाते हैं हम, ठीक है, इसका लिखिए स्पीड ऑफ ऑपरेशन इज हाई, इसको क्यों यूज करते हैं सीमॉस को, स्पीड ऑफ ऑपरेशन is high but has greater complexity, but have greater complexity compared to PMOS and NMOS, compared to PMOS and NMOS। ठीक है, मतलब PMOS और NMOS अलग 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 यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो सिंगल ले रहे हो, अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम, दोनों को यूज करें तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा यहाँ पर इंक्रीज होगा।
इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। और दो एक पॉइंट है, पावर डिसिपेशन इज लेस, पावर डिसिपेशन इज लेस, नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज मोर फैन आउट, इट हैज मोर फैन आउट, फैन आउट मतलब कितना आप आउटपुट में और ब्लेड्स लगा सकते हो उसके साथ, उसको कहते हैं उसकी कैपेबिलिटी फैन आउट, ठीक। एंड बेटर नॉइज मार्जिन, एंड बेटर नॉइज मार्जिन, हाँ, सीमोस के लिए देखो यहाँ पर दोनों लगे, पी पे लगे और एन पे लगे, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में लगा हुआ है, ठीक है। तो जहां अगर ये बस लिया तो ये पी चाहिए, पी मॉस होता है, ये बस लिया तो ये एन मॉस, लेकिन हम क्या करें दोनों को साथ में जोड़ के लगा रहे हैं, ठीक है। तो जो सिलेबस सबकी यही है, चलिए अब एक ही इनपुट देते हैं, मान लीजिए अपन ने ए इनपुट दिया, ठीक है, एक ही इनपुट दे रहे हो तो दो ही लॉजिक हो सकता है, लो एंड हाई, और आउटपुट है वी नॉट, इसमें क्या होता है, इसको ड्रेन बोलते हैं, ये टर्मिनल को करते हैं ड्रेन, ठीक है। मॉस्फेट नहीं पढ़ा होगा, लास्ट टाइम पढ़ा होगा, ठीक है। ये टर्मिनल पता है इसमें क्या होता है, इसको गेट कहते हैं, ये टर्मिनल गेट ऑफ द गेट ऑफ बोथ द डिवाइस आर कनेक्टेड टुगेदर, ठीक है, दोनों के जो गेट हैं ये हैं गेट्स, ठीक है, आर कनेक्टेड टुगेदर एंड अ कॉमन इनपुट इज गिवन, एंड अ कॉमन इनपुट इज गिवन टू बोथ द MOSFET, the drain terminal connected together are the drain terminals, ये है drain terminals, ठीक है, source है, ये है drain, drain terminals are connected together as common output, अब इसका वर्किंग आप लोग बताइए कैसा काम करता है, ठीक है। पहले मैंने ए को क्या किया, लो किया, ए को हमने लो किया, ठीक है। तो जब आप लो करते हो ये किस टाइप का है, पी मॉस है, ठीक है, दिस इज पी मॉस। तो पी मॉस का क्या बिहेवियर है, आप लो करते तो वो हाई होता है, हाई मीन्स वो कैसे बिहेव करेगा,
शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा। लेकिन ये जो पूरा है ये आपका वीडीडी है और ये एक शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव, ठीक है। जैसे इसको लो मिला यहाँ पर, और ये है आपका पी मॉस, सॉरी एन मॉस, एन मॉस में आपने कैपेसिटर लो किया तो ये क्या हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाता है, ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक। और ये जो वीडीडी है और ये है वी आउट, ठीक है। तो वी आउट जो है, ये जो वी आउट ये कनेक्टेड हो गया वी नॉट से, तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, हाई मिलेगा कि लो मिलेगा, हाई मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये सोर्स से इससे कनेक्टेड हो गया, ये नीचे तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, हाई मिलेगा, ठीक है। देखो फिर से बताता हूं, जब इसको लो करते हो तो ये एक शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करता है, ये हो गया शॉर्ट सर्किट, ठीक है। और ये कैसा बिहेव करता है, जैसे लो दोगे तो ये ओपन सर्किट जैसा बिहेव करता है, ठीक है। तो देख लो ये VDD कनेक्टेड हो गया किससे, V0 से। तो ये जो इतना वोल्टेज यहाँ पर लोगे 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट आपको Vout में मिलेगा। आप इनपुट क्या दे रहे हो, लो दे रहे हो 2 वोल्ट या 2 वोल्ट, बहुत कम वोल्ट यहाँ पर दे रहे हो, ठीक है। और नीचे क्या होगा, ये तो ओपन हो गया, वो तो हट ही जाएगा, ये पूरा सर्किट यहाँ से कट गया। तो VD will be equal to V out, जैसे ही आपने लो किया तो वो क्या हो गया वहां पर, ठीक है। ये वाला डायग्राम बना लीजिए, ये आपका एनमॉस, अब सेकंड स्टेप में जाते हैं, इसको हाई करते हैं, लेट ए इज लो हो जाएगा। देखो जैसे ही इसको हाई किया आपने, ये पी मॉस है, हाई करने से क्या हो जाता है, ये लो हो जाता है, ठीक है। और इसको हाई करने से ये हाई रहता है, ठीक है। तो ये हो गया पी मॉस लो, लो का क्या मतलब होता है, ओपन सर्किट, ठीक है। अब ये जो शॉर्ट सर्किट था, अब ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। और ये हाई है, ये भी शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया एंड इट इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड। तो जो वी आउट है वो किससे जुड़ गया, वो ग्राउंड से जुड़ गया, ग्राउंड का पोटेंशियल जीरो है, तो वी आउट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, तो इट विल बी लो। अब बताइए ये कौन सा गेट जैसा बिहेव करता है, इनपुट आपने दिया लो, आउटपुट हाई मिला, इनपुट दिया हाई, आउटपुट आपको लो मिला, इट इज बिहेविंग लाइक अ पिच गेट, इन्वर्टर। सो दिस इज नोन एज सीमॉस इन्वर्टर, सो दिस इज सीमॉस इन्वर्टर। ठीक है, तो यू शुड नो द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पीमॉस एंड एनमॉस, तभी आप इसको यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि कैसा काम कर रहा है, ठीक है। क्लियर है, बहुत आसान है। जब इनपुट आप लो देते हो तो ये शॉर्ट सर्किट लोड पर, तो VDD इज इक्वल टू V आउट, तो ये हाई हो जाता है। जब हाई देते हो ये ओपन हो जाता है, ये शॉर्ट सर्किट, सो V आउट इज कनेक्टेड टुवर्ड विद ग्राउंड, सो आउटपुट इज चाहिए। अब एक और कॉम्बिनेशन देखते हैं हम,
मैंने बताया था कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो अगर दो एनमॉस को पैरेलल लगाओगे तो जो दो एनमॉस है वो होंगे सीरीज में। अगर इन दोनों को मैं सीरीज में लगाऊंगा तो इन दोनों क्या लगाना पड़ेगा मुझे, पैरेलल। इसलिए हम क्या कहते हैं, सी मॉस कॉम्प्लीमेंटेड मॉस, दिस कंसिस्ट बोथ पी चैनल मॉस्फेट एंड एन चैनल मॉस्फेट। ये डायग्राम बना लीजिए। Here A and B are two inputs, okay? तो एक input इसमें जुड़ा हुआ है T1 में और एक जुड़ा हुआ है T3 में। हम क्या कर रहे हैं, मतलब एक
पी को दे रहे हैं और एक एन को दे रहे हैं, वैसे ही जो बी दूसरा इनपुट है वो जुड़ा है एक पी के साथ और एक दूसरा एन के साथ, इस तरीके से हम ये कॉम्बिनेशन दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो इनपुट है तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, चार। ठीक है, ए बी पहला दो लो, ठीक है, आउटपुट इज बी, फिर लो हाई, हाई लो एंड बोथ आर हाई। ठीक, चलिए तो पहले दोनों लो करते हैं हम, ये हो गया लो और बी हो गया लो। ठीक है, सो ये है पी, जैसी लो देते हो ये क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक, इट इज लो कनेक्टेड टू हियर, ठीक है, ये लो इसको भी क्या करेगा, हाई करेगा, टी वन टी टू क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। ठीक, अब ये वाला पी का जुड़ा हुआ है लो है तो ये भी इसको लो ही करेगा, और ये लो है तो आउटपुट जो है वो इसको लो कर देगा। ठीक है, अगर ये दोनों लो है तो ऑफ कंडीशन में चल जाएंगे, ये ऑफ हो जाता है, ये हो जाएंगे ओपन सर्किट। ठीक है, ये हाई है कमिंग, ये हो जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो सर्किट कैसा बनेगा, यहां पर ये पीडीटी और ये दो शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ये आ रहा आपका आउटपुट और दो ओपन सर्किट। लो हुआ तो बंद हो जाएगा ना, ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, और ये हाई होगा ऑन हो गया, ये ऑन रहेगा और ये ऑन रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों ओपन सर्किट हो गया, अभी शॉर्ट सर्किट है ये वीडीडी है। आउटपुट क्या मिलेगा, ये वीडीडी कनेक्टेड टू द शॉर्ट सर्किट भी ना, तो ये क्या मिलेगा आपको, तो अगर दोनों इनपुट लो है तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, हाई। ठीक है, अब नेक्स्ट केस, व्हेन दिस इज लो एंड दिस इज हाई, ठीक है, ये लो ही रह रहा है, अब ये हो गया हाई। ठीक है, तो ये हाई है, ये टी टू से कनेक्टेड है, तो उल्टा करके लो कर देगा इसको, ये लो हो जाएगा, लो मींस ये हो जाएगा ओपन सर्किट और ऑफ। ठीक है, ये लो है, ठीक है, तो ये लो ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हाई है, इसको हाई कर देगा, दिस विल बी हाई, ऑन हो जाएगा और ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो ये हाई है, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये हाई है, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये लो है, ये हो जाएगा ओपन सर्किट, ये हो गया ओपन सर्किट, और एक नीचे वाला जो है वो हो गया शॉर्ट सर्किट और ये ओपन सर्किट। अब बताइए आउटपुट क्या होगा, हाई होगा कि लो होगा, अभी भी हाई होगा क्योंकि देखिए वीडी इस शॉर्ट सर्किट से वी नॉट पे जा रहा है, पहले दोनों था, दोनों में कोई से भी ले सकते थे, अब कोई एक ही हो रहा है। ठीक है, ये देखिए वीडी इससे कनेक्टेड है, इस वी नॉट से कनेक्टेड, ये अगेन यहां पर क्या होगा, सिंपल है, कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है। देखिए लो है, ये है आपका पी,
PMOS, ठीक है। जैसे ही आप लो देते हो इनपुट क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। हाई का मतलब शॉर्ट सर्किट, ये हो गया शॉर्ट सर्किट ये वाला, ठीक है। और इसका जो इनपुट हो रहा है वो हाई है। हाई का मतलब क्या होता है, लो। लो का मतलब ओपन सर्किट, ये हो गया आपका ओपन सर्किट, ठीक। फिर इन दोनों को देते हैं, ये है NMOS, ठीक है। जहां बबल लगा हुआ है वो PMOS है, जहां बबल नहीं लगा हुआ है वो NMOS है, ठीक है। तो ये जुड़ा हुआ है लो से, जो दोगे ये लॉजिक हाई पे काम करता है। जो लो दोगे इनपुट, इनपुट लो है तो आउटपुट भी आपको लो ही मिलेगा, मतलब ओपन सर्किट। तो ये हो गया ओपन सर्किट। फिर यहाँ पर बी जो है हाई है, तो ये क्या करेगा, इसको हाई कर देगा, मतलब शॉर्ट। तो इस तरीके का आपका सर्किट मिलेगा, ठीक है। तो अगर ये तो ओपन सर्किट है, ठीक है, तो ये इससे कोई मतलब नहीं है। अब ये किससे कनेक्टेड हो गया, थ्रू दिस शॉर्ट सर्किट आउटपुट विल बी, तो जो वीडीडी है वही आपको काम करेगा, वी नॉट, ठीक है। अब सेकंड केस करते हैं, थर्ड सॉरी, हाई और लो। ठीक है, अब ये हाई हो गया एंड दिस इज हाई कनेक्टेड है, ये लो हो जाएगा, ये लो हो जाएगा, ये हो जाएगा लो, ठीक है। ये लो है तो अब ये हाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये हाई है तो ये हाई हो जाएगा, और ये लो है तो ये लो, सारे चेंज हो जाएंगे, ठीक। हाई का लो, लो मतलब शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, ठीक है। तो अब ये ओपन सर्किट, ठीक है। ये है हाई मतलब शॉर्ट सर्किट, ये हो जाएगा अब शॉर्ट सर्किट, ये एससी और ये ओसी। इसका इनपुट हाई है, ठीक है, ये लो नहीं रहेगा, इनपुट हाई है, आउटपुट भी हाई रहेगा, तो मतलब ये अब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये लो है तो आउटपुट लो, ये शॉर्ट सर्किट और ये ओपन सर्किट, अब ये ओपन सर्किट। अब बताइए आउटपुट क्या आएगा, अभी भी हाई रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है इससे सेकंड वाले, उससे तो ये हाई होगा, ठीक है। लास्ट व्हेन ऑल आर हाई, सारे आ गए, ठीक है। देखो ये हाई है लो हो जाएगा, ये हाई है अब ये इसको लो, लो मींस ओपन सर्किट, नो मींस ओपन सर्किट, बोथ आर कनेक्टेड टू ओपन सर्किट, ठीक है। इसका ये मतलब हो गया, अब वो VDD से इट इज नॉट कनेक्टेड, नाउ इट इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम, ठीक है। अब नीचे के हिसाब से वो देखते हैं, ये हाई है, ठीक है, ये हाई है तो ये भी हाई, ये हाई है तो ये भी हाई, हाई मींस शॉर्ट, तो दिस विल बी शॉर्ट, सो वी नाउ इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, दैट मींस लो। नाउ टेल मी व्हिच गेट, व्हिच लॉजिक गेट, अगर एक भी इनपुट लो हुआ तो आउटपुट हाई हो गया, और दोनों इनपुट हाई हो गया तो आउटपुट लो हो गया। सो दिस इज CMOS, अगर आप दो PMOS को पैरेलल में लगाओगे और इस कॉम्बिनेशन को दो NMOS के साथ सीरीज में करोगे तो रिजल्टेंट आउटपुट जो मिलेगा, ठीक है, दोनों के यहां पर आउटपुट अगर निकालोगे तो एक ये NAND गेट जैसा लगेगा, ठीक है। तो टीटीएल से मिलता है, इससे मिलता है, सबके अपने अपने प्रॉपर्टीज हैं, किस तरह थोड़ा कॉम्प्लेक्स, ये थोड़ा समझना पड़ता है इसमें कैसा काम होता है, CMOS की प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर समझनी है, ठीक है।
तो दोनों अगर लोग हाई हो गए तो आउटपुट हाई मिलेगा, और दोनों किस एक भी कोई लो हुआ ठीक है आउटपुट आपको हमेशा क्या मिलेगा हाई मिलेगा ठीक है। अब एक और इसका पॉसिबल है कि इन दोनों को पैरेलल में लगाओ, सीरीज में लगाओ और इन दोनों को पैरेलल में ठीक है, एक कॉम्बिनेशन। अब देखते हैं इससे क्या कौन सा गेट बनता है, और देखिए इसमें यूनिवर्सल गेट ही बनता है, NAND गेट, NAND गेट इज ए यूनिवर्सल। एक और कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल ठीक है, सो डू इट बाय योरसेल्फ, उसे एनालाइज करके देखो और वो ट्रुथ टेबल देखो कैसा बनता है। NMOS, which operates in logic high. Okay, so again they are complemented. If two PMOS are connected in series, two NMOS are connected in parallel. इससे पहले दो PMOS parallel में थे और दो NMOS series में. अब देखते हैं क्या होता है. So try to analyze this combinational circuit. So there will be four combination when all the logics are low, low high, high low, and high high. आप
क्या ओ एआई में प्लस वीडियो एक्स नाम से है एआई इस यूनिट ट्राई करो आई नो दो दो सेल व्हिच गेट नॉट नॉट सो दिस इज सीमॉस नॉट लॉजिकल होना चाहिए पी मॉस में हाई वैल्यू होता है और एन मॉस में लोकल वैल्यू होता है ठीक बस यही आपको यहां पर याद रखना और एक केस में बस मॉडल डाटा में बदलने की आपको ठीक है तो पहला हम ले रहे हैं लो लो ठीक है ये भी नो और ये भी नो ठीक है सो ये लो होता है तो पी मॉस हाई हो जाता है तो पहला जो है वो शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा फिर ये भी लो है ये भी हाई शॉर्ट सर्किट और ये आपका बी ठीक है नाउ इट इज कनेक्टेड टू लो एन मॉस है तो ये लो ही रहेगा इट इज कनेक्टेड टू लो ये हो जाएगा वो सी ठीक है ये मिला आपको सर्किट है ठीक है ये दोनों शॉर्ट सर्किट हो गए ये दोनों शॉर्ट सर्किट है कनेक्टेड टू वी नॉट और ये दोनों ओपन सर्किट ठीक है तो आपको आउटपुट मिलेगा दोनों लोड है तो आउटपुट आपको क्या मिल रहा है आई अब बी जो है वो हाई बोर्ड है बी इज हाई बी हाई है तो ये अब लो हो जाएगा इट मीन ये लो हो गया ओपन
तो अब ये शॉर्ट सर्किट था इज नो मोर शॉर्ट सर्किट दैट मींस V naught is disconnected with VD. उससे वो disconnect हो गया. ठीक है, ये लो है तो लो अभी भी है, ये हाई कर दिया हमने तो ये हाई हो जाएगा, ये हाई हो गया इनको मतलब SC. ठीक है, ये हो गया शॉर्ट सर्किट. तो V naught is connected to ground. V naught is connected to ground. ठीक है, with this short circuit, so this will be. Next case, A is high and this is low. ये high है तो अब ये low हो जाएगा. ठीक है, ये जो short circuit था अभी हो जाएगा open circuit. ये open. ये हो गया. ये low है तो ये high हो जाता है, उल्टा हो जाता है. ये हो जाएगा high. This short circuit. अभी हो गया सर. Still it is not connected to VDD. ये ऊपर वाला ओपन सर्किट हो गया. Now this is high, so ये अब हो जाएगा high. That means short circuit. ये हो जाएगा short circuit. और ये low हो जाएगा T4 below. ये हो गया ओपन. So still V naught is connected to ground. Low. When all the variation is high, A and B, logic is high. दोनों high, ये दोनों हो जाएंगे low. ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे open circuit. और ये भी high और ये भी high हो जाएगा. This means both are short circuit. V naught is so one of the input is one, output is low. So this is nothing. This is not. So this is your CMOS logic bank. So how many gates derived from three gates? NOT gate, NOR and NAND. And this NOR and NAND are universal gate. You can make any gate from this NOR and NAND. तो हम हमेशा ऐसे ही बनाते हैं कि NAND या NOR ही में क्योंकि ये रिजल्ट के अंदर बात हम गेट्स को बना सकते हैं. ठीक है, तो RTL हो गया. ठीक है, TTL मैंने प्रादीप देख लेना. ठीक है, अभी आप उधर बैठे थे मैं तब तक प्रादीप को. ठीक है, खाली क्लास था तो 30-40 बच्चे थे उस समय.